what? Hello, no, assalamu alaikum, wa marhaba, assalamu alaikum. This is Omar Khan. Welcome to my YouTube channel. MSK. Good afternoon from Jammu. अभी हम जहाँ पर बैठ के लंच कर रहे हैं, यहाँ की खासियत वो ये है कि जहाँ पर हम बैठे हैं ना, ये 7th फ्लोर पे है और ये पूरा का पूरा रोटेट होता है इसे। तो अभी जो बैकग्राउंड में व्यू है वो अलग है, मेबी 15 मिनट बाद व्यू अलग हो जाएगा। तो ऐसे पूरा जम्मू सिटी का हम व्यू लेके ब्रंच कर रहे हैं जी। क्या ही जिंदगी है भाई, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई यहाँ पर आने के बाद एक चीज और हमें पता चली, पहले तो इनसे मिली है त्रिलोक पाजी, पाजी हो जाए एक जो बोले इंशाल्लाह। आप वो बोलो जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया सत्यकार। तो आज हम जाएंगे इनके घर पे, वहाँ पर जाके हमारी कार वॉश करेंगे एंड देन आगे की कहानी जो है चलते चलते पता चलेगी। फिलहाल हम खाने पे फोकस करते हैं जो कि आया नहीं है। हो गया जी मस्त पे की खाना पीना। ए भाई ये चक्कर वक्कर ना आ जाए यहाँ पर, हो रहा ना थोड़ा चक्कर आ रहा ना। और यहाँ पर बैठ के खाने का जो फील है ना, वो आपको तब ज्यादा देखने को मिलेगा जब यहाँ पर किसी ने टाइम लैप्स लिया हो। किसी ने लिया था क्या यहाँ पर टाइम लैप्स? यस ये सिमरन पाजी ने लिया है, जरा देखें। Ladies and gentlemen, अभी जो चीज होने वाली है वो अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं था ऐसा होने वाला है बट हो रहा है। दिन में कुछ नहीं था करने को और ऐसा लग रहा था कि अरे आसपास देख लेंगे क्या है क्या है। हाँ। और सडनली अभी एक्साइटमेंट लेवल थोड़े आसपास देखने ही जा रहे हैं, लेकिन कैसे देखने जा रहे हैं वो चीज में मजा है। वैसे जम्मू में ना ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं है, जिनको श्रीनगर जाना होता है यहाँ पर एक स्टॉप लेते हैं फिर वो आगे निकलते हैं, जैसा हम भी कर रहे हैं कि यहाँ एक स्टॉप लेंगे और हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो श्रीनगर। हमने यही सोचा था कि यहाँ जाएंगे खाना पीना खाएंगे आसपास कुछ देखेंगे और फिर रात को सो जाएंगे, लेकिन जो अभी हुआ है वो हर ट्रिप में मुझे लगता है जरूरी है और वो है बाइक्स, सुपर बाइक्स, जिससे हमारा सोल जुड़ा हुआ है वो होगा आज। और हमारी कुछ पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। जब से हम मुंबई से निकले ना, अपनी गाड़ी भी वॉश नहीं हुई, तो आज गाड़ी भी वॉश हो जाएगी, चमक जाएगी, क्योंकि इसमें भी काफी कत्लेआम हुआ है। आते आते हमने काफी कीड़े मकोड़ों के जान लिए हैं, तो सारे सबूत मिटाने होंगे श्रीनगर जाने से पहले, ताकि थोड़ी गाड़ी भी चमके और अच्छा भी लगे, तो वो भी काम हो जाएगा। और साथ साथ में सुपर बाइक्स, क्रॉस प्लेन वाली सुपर बाइक, क्रॉस प्लेन बोला तो सब समझ जाएंगे, समझ जाओ फिर खुश हो गए कि नहीं एमएसकेएन कट्टर वाले। जम्मू बहुत ही छोटा शहर है और काफी कोजी कोजी रास्ते हैं, ट्रैफिक भी अच्छी खासी होती है यहाँ पर। आते वक्त भी हमें काफी ट्रैफिक मिला था, जगह जगह पे आर्मी भी है गन के साथ, थोड़ा सा डर जैसा लगता है और सेफ्टी भी फील होती है कि वो हमारे लिए है। राइट साइड में बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा दिखा है, नाइस, बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। हाँ के लाला अभी अच्छा लग रहा है ना, ठंडी हवा, ठंड में अगर धूप आ जाए तो फिर ठंड का मजा आता है और वही है यहाँ पर श्रीनगर में, मुश्किल है कि ये देखने को मिलेगा। होटल पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ से जैकेट लेना था और कैमरा लेना था, कैमरा लिया नहीं, कैमरा भूल गया था। अभी मैंने शूट किया था सिमरन पाजी के कैमरा से। और भाई त्रिलोक जी आपके पैर पड़ने पड़ेंगे मेरे को, ऐसी रेयर बाइक आपने दिखा दी हमें, RSV4 भैया चालू करो इसको फटाफट। ओहो क्या बात है, क्रेजी। ये अपना छोकरा बैठ रहा है, छोकरी की ड्रीम बाइक है ये। आज मेहनत करेगा तो कल ये बाइक आएगा, समझा मेरी जान। V4 मेरे को इनलाइन 4 इतना पसंद नहीं है, मेरे को इनलाइन 4 पसंद, मेरे को सबसे ज्यादा इनलाइन 4, फिर उसके बाद में क्रॉस प्लेन और फिर उसके बाद में लास्ट में ये। इसकी भी आवाज अच्छी है, थोड़ी रॉ और रोर करता है भाई, और अपने ऐसा। अभी त्रिलोक पाजी की कृपा है, हम एक अपनी ड्रीम बाइक चलाएंगे फिर से एक बार, इतना तक तो समझ ही गए होंगे कि क्या चलाने वाले हैं। शिकारी मेरे जंगली है, इलाका मेरे वीर जी का है, त्रिलोक पाजी का एरिया है। भैया क्या करना है अपने को बताओ, यहाँ पर ये लो पहले तो बंदे बंदे किधर है, बंदे मिलाए पहले तो। ये है भैया डार्क स्पेक्टर जिसको कीड़ा डाला था आपने R1 का,
अच्छा तो राइट नाउ आई हैव द आर्मर। और दूसरी एक और चीज वो एंटी छपरी कंटेंट वाली साइड ज्यादा है, मतलब सिनेमेटोग्राफिक्स फुल वैसे छचके वाला। अच्छा वैसा है तो वो आपकी वजह से ही हो पाया है इंडिया में। एंटी छपरी कंटेंट मैंने पहली बार सुना। हमारे स्पोर्ट्स बाइक की जर्नी शुरू हुई थी आर1 से। ये है वो एकरा पाउच। हम फुल सिस्टम। मुझे लगता है ऐसी चीजें समझ नहीं आएगी, आप डायरेक्ट उस पे बैठ जाओ एक बार भगा के देख ही लो यार। लेकिन ना मेरे को अभी भी वो जो पुराने वाला क्रॉस पेन बागड़ बिल्ला अखियों को रहने दे वो अपने को ज्यादा पसंद है। बट ठीक है, अभी लोग अपग्रेड होते हैं तो आर1 भी अपग्रेड हो गई है। बट है तो आर1, इसमें आत्मा जो है क्रॉस प्लेन वाली है ना ये। किलोमीटर बाद बॉर्डर होगा तो अपने इरफान भाई को हाई हेलो करके आते हैं। गियर टेक्नोलॉजीज त्रिलोक पाजी मालिक सीईओ। जम्मू में अगर बड़ी बड़ी बाइकें चाहिए और अगर बड़े आदमी लोग चाहिए तो इधर है, ये आपका इंतजाम करवा देंगे। ये मैं शीशा लेके खड़ा था, ये इधर खड़े हैं बड़े बड़े आदमी। चलो हम चलते हैं, नहीं तो सनसेट होगा तो फिर हमारा चलाने का जो ख्वाब है वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन काफी टाइम बाद क्रॉस प्लेन आर1 यादें ताजा हो गई है। क्रेजी, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा है, बहुत हार्ड। अप्रेला RSV4 S1000RR। एक नॉन ABS है। हाँ, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल पूरा रखा है ना आपने? नहीं, 3 पे है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लच का तो अंदाजा है ही R1 का पहले से। हाँ हाँ हाँ। जम्मू की गलियों में R1 राइड करते हुए मोटरजवा की मोहम्मद सलीम खान, त्रिलोक पाजी चला रहे RSV4, सिमरन BMW S1000RR पे, पीछे एक डुकाटी स्क्रैम्बलर भी है हमारे पास और एक फॉर्च्यूनर मॉडिफाइड, चल रहे हैं बॉर्डर की तरफ। तो मेन रोड पे आ गए। अभी दिक्कत ये है कि सनसेट होने वाला है और एक बार जब सनसेट हो जाता है उसके बाद ठंड भी बढ़ जाती है। ये सब स्पोर्ट्स बाइक जो होता है ना, इसमें इनकी हेडलाइट कोई खास होती नहीं है, फिर राइड करने में तकलीफ हो सकता है और रास्ते में खड्डे वड्डे भी है। बाकी बढ़िया है, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ आके हमें स्पोर्ट्स बाइक चलाने मिलेगा और वो भी R1। बिग शाउट आउट टू साहिल भाई, डॉग स्पेक्टर। चलिए थोड़ा शीशा वीशा भी सेट कर ले। स्पोर्ट्स बाइक की ब्रेकिंग, आई लाइक इट। ये साइकिल वाले ने उड़ा दिया था मेरे को। क्या बचे आप, मुझे लगा उड़ा दिया। बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज। अभी अपने त्रिलोक पाजी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता, एक साइकिल वाला ऐसे हाथ दिया और सीधा इधर ही ले लिया, पीछे भी नहीं देखा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो फिर होता है एक्सीडेंट ना। बंद कर सकते हैं इसको? हाँ, वो पुराने R1 से ये चीज सुधर गई है। अच्छा, मैंने MSK को देखा धक्का लगाते हुए। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इस बार धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। बस हाँ, ये सर्दियों में लिथियम आयन बैटरी काम खराब करती है तो मैं इसको ठंडा होने देने से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है सही है। चलो पावर है भाई। कब दिन शुरू हुआ कब दिन खत्म हुआ पता ही नहीं चला यार, ठंड में दिन का पता नहीं चलता। पता नहीं बाकी लोग का क्या हिसाब किताब है लेकिन मेरा तो है। लवली लवली भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी लगता है कि ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कोई भी ट्रिप
जब बिना बाइक की होती है ना तो वो ट्रिप थोड़ी अनकम्प्लीट सा लगता है, लेकिन अब ये ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भैया, मेन चीज़ जिसके लिए आए थे वो तो अभी तो बाकी है। क्या प्यारा सनसेट यार, शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह। हर मोड़ पे मैं खुदा का शुक्रिया अदा करते रहता हूँ कि यार लाइफ बहुत अच्छी दी है उन्होंने हमें। फर्स्ट गियर पे, बाप रे बाप, फर्स्ट गियर पे इसका एक अलग रूप दिखता है। अचानक से ब्रेक लगा दिया भैया ने, यहाँ पर अपने भाई लोग अपने को शूट कर रहे थे और अपन भी था एकदम मस्त स्पीड पे और अचानक से ब्रेक मार दिया। स्पोर्ट्स बाइक की खासियत ये होती है कि इनके ब्रेक्स अच्छे होते हैं तो इसलिए रुक जाती है गाड़ी। क्या लोकेशन आ गया है, लेफ्ट साइड में खेती खेती, राइट साइड में खेती खेती, हम चल रहे छेती छेती। ये है अपने सामने सिमरन पाजी, सिमरन पाजी को BMW सूट होती है भैया। पहुंच गए हम बॉर्डर के पास। ओ पाजी मजा आ गया, एक्सीलेंट ग्रेटेस्ट। R1 है S1000 की R1 अभी यार ऑप्शन रहता एक बाइक रखने का, डिपेंड करता अगर यूरोप में होता तो मैं R1 रखता, BMW ये सबसे बेस्ट है इंडिया में। ऑलराइट तो पहुंच गए हम बॉर्डर के पास, लेकिन यहां पर 5 बजे के बाद एंट्री मिलती नहीं है तो हम एकदम किनारे पे हैं। साहिल जी सर कैसा लगा आपको पहले ये बताओ। एकदम बढ़िया, मैं MSK की जनता बस एक बार भैया को फोर्स कर दो, MSK भाई प्लीज R1 इधर उधर मत जाओ, असली मोहब्बत में आओ। 50,000 कमेंट आएंगे R1 के, देखते हैं। अरे पक्का? हाँ गाइस 50,000 कमेंट्स आने ही आने चाहिए। नहीं आएंगे। MSK को वापस से R1 का नशा लगाना है हमने, ठीक है। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ फेंस, यहाँ मतलब दिखेगा नहीं फिर भी एक बार जूम करता हूँ। ये है फेंसिंग, उस तरफ है बॉर्डर। अरे कोई मैप लाओ पूनम, ये बॉर्डर, बस एक कदम चलेंगे उस तरफ पहुंच जाएंगे और ये मतलब एक्चुअल बॉर्डर है। अभी हमें हमें ट्रैक पे चलाने गए, फेब मार्च में कुछ प्लान करते हैं। अभी अभी बुकिंग मैं ले लिया मैनेजर से, आपसे बुकिंग ले लिया मैंने, उन्होंने एडवांस पे कर दिया मेरे को। धूम गैंग धूम मचाले, वापस 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 टेने ने 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 टेने ने 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 बेस बन गया, पूरा सिस्टम वैसा चेंज हो गया जैसे जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम जो चीजें चलती थी, जब लोग जो देखते थे, आज ऑडियंस को भी वैसा नहीं देखना। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, देखो इनकी ऑडियंस में ना आप देखोगे एजुकेटेड ऑडियंस होगी उनकी। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई ऐसे बॉम्ब को हाथ लगाया है। एक्चुअली अब ये डिफ्यूज्ड है, जब ये फटता है तो ये रह जाता है, बाकी ये चिदड़ा चिदड़ा हो जाता है। 1971 के वॉर का है, नहीं कराची का है, इधर लिखा है POF LOTN समथिंग समथिंग। ये मशीन गन का है और ये AK-47 का है, AK-47 का है। देखो भाई यहाँ पर बॉम्ब फटा था 2018 को, उसके वजह से ये शीशा पूरा टूट गया। आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया, आपके सामने कोई आस पास कोई बॉम्ब फटा हो? मेरे यार रब्बा सड़क करे गोले, मैं जिते जा रहा हूँ और गोले के बीच भी है डेड बॉडी चुकी है, पवा का गोला छिछरे हो गए, बच्चे एक दिन पूरा परिवार तैयार करे सवेरे सवेरे स्कूल, गोला पिया कसम कर गया उसी ने। नहीं नहीं समझता है, इतना समझता है, मेरा झटपट आदमी, मैं थोड़ा मैटर लग लग ही ब्रेक सारी। और क्या सेवा करें भाई बोलो। नहीं नहीं इतना बहुत है, आपने तो दिन बना दिया हमारा। नहीं 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 बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्यारे अंकल थे यार, इन्होंने बहुत स्वीट, बहुत बहुत स्वीट। वैसे हम यहाँ पर चाय पीने के लिए आए थे, यहाँ पर मेरा GoPro से पूरा ट्रांसफर हो रहा है और वो अंकल जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते बोला कि चलो आपको मैं हम बॉम्ब शेल दिखाते हैं, तो बहुत एकदम स्वीटली उन्होंने दिखाया जिस तरह से वो बता रहे थे वॉर की कहानी। वॉर हो ही ना यार, चाहे उस तरफ हो इस तरफ हो, जान जब जाती है तो फिर यार बहुत बुरा लगता है। चलिए चाय आगे ले, चीयर्स फॉर द धूम गैंग। बाकी वाले पता नहीं चाय से परहेज कर रहे हैं क्या। देखो जी क्या होता है कि एक तो कैमरे के लिए होता है और एक अपने लिए होता है, तो एक कैमरे के लिए दिखावा। देखो ऐसा है कि अगर दिखावा नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, अब पता चलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम आपस में कुछ कर लेते हैं फिर याद आता है यार ये चीज़ व्लॉग में करना चाहिए, तो फिर उसको रिएक्ट करते हैं, एक्टिंग।
तो आते वक्त हम सुपर बाइक से आए, जाते वक्त हम सुपर कार से जा रहे हैं। तरुण भाई की कार ऑफ रोडर, ऑफ रोडर एकदम से उड़ा के चलते हैं। इसका पंख भी खुलता है ना? ऑलराइट जी, हमारी फॉर्च्यूनर नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी है। सारे खून वून साफ हो गए, सारे मर्डर के सबूत हमने मिटा दिए, अब एकदम रेडी है। थैंक्स टू त्रिलोक पाजी, थैंक यू सो मच, आपके लोगों ने धुलवाई है। खड़े हैं दो जने जिन्होंने थैंक यू है। ये थैंक यू भैया, हाथ मिलाओ यार तुम, थैंक यू। चलो फिर हम अभी जा सकते हैं वापस, फिर वापस मिलेंगे खाना खाने के लिए हम त्रिलोक पाजी से। व्हाट अ डे, डे अ व्हाट, व्हाट अ डे, डे अ व्हाट, मजा आया आज के दिन यार। लाइक जब सुपर बाइक से होती है तो ये सारे लड़कों के साथ है या मेरे साथ है पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर ना एक्साइटमेंट की लहरें थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। मजा आता है हमको तो दोपहर तक, 3 बजे तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं। 3 बजे के बाद सारे प्लान्स बने और सब सही सलामत हो गया। अभी होटल की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे, 8:30 बज रहा है अभी, फिर उसके बाद वापस निकलेंगे। हम क्या कर रहे थे ना, जब दिल्ली में थे ना तो हम देख रहे थे जम्मू का टेम्परेचर क्या है। ज्यादा फर्क नहीं था, मतलब कि 1 डिग्री का 2 डिग्री का फर्क था, लेकिन भाई यहाँ पर ठंड अलग महसूस हो रही है, हाथ मतलब पूरे ठंडे हो चुके हैं। तो ऐसे ज्यादा बाहर हम खड़े भी नहीं रह सकते, और फिर जब कल हम जहाँ जाएंगे वहाँ तो ठंड का बाप होगा। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू त्रिलोक भाई, आज मेरे को मेरी ड्रीम बाइक राइड करने मिली, एप्रिल RSV4। सो बस थैंक यू कहना चाहता हूँ। यू वेलकम ब्रो, आज काम करेंगे तो कल चलाएंगे। कमरे में पहुंच के कितना अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हीटर लगाया गया क्या? नहीं, नॉर्मली है ना, लेकिन बाहर का जो ठंड है ना अंदर आ नहीं पाता है। मतलब हम यहाँ पर ना टी शर्ट में भी रह सकते हैं, नंगे भी रह सकते हैं बाकी। नहीं नंगे मैंने सुबह ट्राई किया था, नहीं हुआ। नहीं हुआ। Oh yeah, who is here? Sir, आपके लॉन्ड्री के कपड़े आ गए। थैंक यू सो मच। ये 2 कपड़े मैंने दिए थे लॉन्ड्री के लिए। व्हाइट जो है ना, एक बार पहनो गंदा हो जाता है। जैसे ये आज पहना मैंने, ये आज पहना और आज ही गंदा हो गया। इसको भी मतलब दोबारा भी पहन नहीं पाऊंगा, लेकिन रात को पहन के सो सकता, रात को कौन देखता है। A few moments later. सिमरन भाजी, ये लो, फॉर्च्यूनर चलाओ। अच्छा मैं तो गिफ्ट कर रहे हो। क्या चल रहा है? अंदर जा रहे तू फटाफट। हमें कब इज्जत मिलेगी इस घर में, मैं पूछ रही थी। अरे यार, कब नारियों का रिस्पेक्ट मिलेगा? नारियों का रिस्पेक्ट, नारियों का, नारियों से लो। तुमको नारियल दूंगा मैं। आ गए हम, काफी बढ़िया रेस्टोरेंट यार, एम्बियंस काफी अच्छा है, लेकिन खाएंगे हम यहाँ से शाकाहारी। अभी पाजी ऑर्डर। ये है बटर नान, पनीर लबाबदार, दाल मखनी। ठीक है फिर, बाबा टेकर खुदा हाफिज, लेवल आई लिव ड्रीम। बूम। क्रैश लैंडिंग, शायद कैमरे में आ रहेगा। 100% प्रोफेशनल। 100% प्रोफेशनल। 100% प्रोफेशनल।